हेलो दोस्तों, मैं मोहित यादव आपके बीच उपस्थित हूँ समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी संस्था आपके भविष्य की उज्जवल कामनाओं सहित हमेशा आपके सेवा में तत्पर रही है। वीडियो वीपीडीओ की हमारी संस्था क्लासेस लेकर आई, हमारी किताब निकली हुई है ग्राम पंचायत अधिकारी की, वीपीओ की। इसी किताब को आधार मानते हुए हमारी संस्था ने वीडियो लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी का जो सिलेबस है उस सिलेबस से संबंधित सारी चीजों को एक साथ एक सीक्वेंस से कवर करने का प्रयास किया गया किताब के माध्यम से। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो वीडियो लेक्चर आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल। अभी तक होता क्या था, मैं कल भी बोला था ये चीज, इसके पहले की कक्षाओं में भी बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि अभी तक होता क्या था कि यूपी स्पेशल के 2-3 सवाल परीक्षा में देखने को मिल जाते थे, क्योंकि बड़ा सा सिलेबस था और उसके बाद में सारी चीजें होती थी। जीके जीएस का वेटेज ज्यादा होता था, यूपी स्पेशल का वेटेज मतलब लोग लाइटली लेते थे। लेकिन पेट का पैटर्न जब आया, फिर उसके बाद में चीजें चेंज हुई, बदली। चीजों के बदलने के बाद जब सिलेबस को क्लियरिफाई किया गया तो यह पता चला कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से अब आपकी परीक्षा में लगभग 8-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 8-10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, तो 8-10 प्रश्नों को तो आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं। अब उन 8-10 प्रश्नों को टैकल करने के लिए हमारी संस्था ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक श्रृंखला, जिसमें होगा क्या, आप लोगों के बीच में 8-9 क्लासेस में यूपी स्पेशल का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरह ये क्लासेस चलेंगी। इसमें होगा क्या, आपकी चीजें रिवाइज कराई जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट जो है उनको थोड़ा थोड़ा समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, साथ साथ में जो फैक्चुअल डाटा है उनको आपको समझाया जाएगा। आप वीडियो लेक्चर को ले लीजिए और साथ साथ इस किताब को आप खोलिए, पढ़िए, सामने से दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के पढ़िए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पर होगा। इस परीक्षा के लिए दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप किताब को पढ़िए, हम साथ साथ हमारे वीडियो लेक्चर का भी सहारा लीजिए। इससे होगा क्या, आप एक्सट्रीम लेवल पर होंगे, आपका मोटिवेशन एक्सट्रीम लेवल पर होगा, ठीक है, जिससे आप परीक्षा में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूं। अभी तक हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया है, अभी तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना को पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश की जलवायु के विषय में पढ़ा, उत्तर प्रदेश में वर्षा कैसे होती है, शीत ऋतु की वर्षा, ग्रीष्म ऋतु और ठीक शरद ऋतु कैसी होती है, इन सब चीजों के बारे में, जलवायु कैसी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन से हैं, सीमावर्ती जिले कौन से हैं, कितने जिलों से किनकी सीमा साझा करती है, ये सारी चीजें हमने देख ली। साथ साथ में हमने वन वनस्पति नदियां, नदियों की सहायक नदियां कौन सी हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से समझने के तरीके से, और सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड थी जो हमने अभी तक करी है, सारी की सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड थी, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हमने सारी चीजों को अब तक कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है कृषि, ठीक है। अब कृषि में क्या कि उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 59% आबादी जो थी वो कृषि कार्य में संलग्न थी। उसमें कुछ तो कृषक थे और कुछ परसेंट हिस्सा जो था, जैसे टोटल 59% आबादी जो थी वो कृषि कार्य से संबंधित थी, उसमें 30% लोग जो थे वो कृषि श्रमिक थे और 29% लोग जो थे वो कृषक थे। कृषि श्रमिक जो होते हैं, जैसे कृषक और कृषि श्रमिक में अंतर समझ लीजिए कि कृषि श्रमिक जो होते हैं ना, वो जैसे खेतों में कोई बड़ा किसान है, अब वो अकेले तो पूरे खेतों में काम कर नहीं सकता, तो इसके लिए क्या कि 2-4-10 लोग मिलकर उसके खेतों में काम कर रहे हैं उसके साथ में, तो जो 2-4-10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना वो कृषि श्रमिक है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है एक कृषि प्रधान राज्य तो है ही है। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल 59.3% आबादी जो थी वो कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी, कृषि कार्य से संबद्ध थी, जिसमें 29% हिस्सा कृषकों का था और 30% हिस्सा जो था वो कृषि श्रमिकों का था, ठीक है।
इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे फैक्चुअल डाटा जो कुछ भी है उसको देखते हुए कि कृषि गणना जो 2015-16 की कृषि गणना थी उसके अनुसार प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत कितना है। ठीक है, तो प्रदेश की औसत क्रियाशील जोत 0.73 हेक्टेयर जो है वो उत्तर प्रदेश की औसत क्रियाशील जोत है। ठीक है, जबकि भारत की कितनी है 1.08 हेक्टेयर है भारत की। उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की है 0.73 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु प्रदेशों में, कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया, आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जो यहां पे लिखा हुआ है आपको मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, यहां जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं ये आपकी परीक्षा से संबंधित परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है, बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे एज इट इज परीक्षा में आपको मिलेंगे। एज इट इज आप ऑप्शन चेंज रहेंगे, प्रश्न यही रहेगा, इसका उत्तर आप जाने रहिए, समझे रहिए, आप जाइए आंख बंद करके टिक करके चले आइए, आप भी सोचेंगे कि आपने घटनाचक्र समसमायिक घटनाचक्र के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की थी और आप परीक्षा में सेलेक्ट हुए। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है कि प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ACF RFO में यह प्रश्न पूछा गया, UPPCS में यह प्रश्न पूछा गया, ROARO में पूछा गया है, वन रक्षक में पूछा गया है, UPSSS पता नहीं कितनी बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो उत्तर प्रदेश को टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब कृषि जलवायु क्षेत्र जो होते हैं इनको विभाजित करने का आधार क्या होता है, कृषि का आधार क्या होता है, कृषि का आधार जो होगा वो मृदा, वर्षा, तापमान, यही सारी चीजें तो आधार होती हैं। जल, मानव संसाधन वहां पे कैसा है, वहां पे जल की उपलब्धता कैसी है, नदियां कैसी हैं और मिट्टी कैसी है वहां की, उपजाऊ मृदा है या नहीं। अब आप ये कहो कि कोई पठारी क्षेत्र हो और बहुत कंकड़ पत्थर पथरीली भूमि हो, वहां पे आप कहो कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे तो गन्ना उगाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो जलवायु कृषि क्षेत्र है, ठीक, कृषि जलवायु क्षेत्र है, इनका विभाजन का जो आधार होता है वो जल की उपलब्धता, मानव संसाधन, मृदा, वर्षा और तापमान, इन्हीं आधारों पर विभाजित किया जाता है। तो इन आधारों पर उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, आप यहां पे देख लीजिए 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का आधार मृदा, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन, मतलब मानव संसाधन का मतलब क्या कि कृषि क्षेत्र में जो संलग्न लोग हैं उनकी उपलब्धता कैसी है, अगर जो कोई किसान है तो उसको यदि सहायक की आवश्यकता होती है तो उपलब्धता है या नहीं है। ठीक है, ये सब भी चीजें मैटर करती हैं, जल भी मैटर करता है सिंचाई के लिए। ठीक है, अब एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट द ग्लांस 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट, 10.34%, कितना परसेंट, 10.34% भाग, जो 10.34% भाग है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। आपको परसेंटेज वाला डाटा याद रखना है, ये फैक्ट जो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट द ग्लांस 2022 का डाटा है ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। हमारी संस्था ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य आपकी नजरों से बचे ना, जो परीक्षा में आता हो, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, इस चीज को विशेष ध्यान रखा गया है। तो इस यहां पे जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट कौन सा है कि भारत का कुल कितना परसेंट हिस्सा, कितनी परसेंट भूमि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो आपको याद रखना है कि 10.34% भूमि जो है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, 18,614 हेक्टेयर, आप ये भी याद रख सकते हो कि 18,614 हेक्टेयर भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य कृषि से संबंधित जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला किस चीज की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला, जैसे पूछा जाता है अक्सर कि प्रतापगढ़ किसके लिए, किस फसल के उत्पादन के लिए, किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है,
आम कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, संतरा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं जब जब एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र की बात आती है। कृषि क्षेत्र की बातों में इन सब प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है, तो इसको एक टेबल के फॉर्म में एक कंपाइलेशन की तरह हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि ये कंपाइलेशन आपको पसंद आएगा। पसंद इसलिए भी आएगा क्योंकि जब जब आप परीक्षा में बैठेंगे, इस क्लास को देखकर बैठेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि मोहित सर ने ये चीज ऐसे बताई थी। ठीक है, याद रखना कि पूछा है कि आम के उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से, महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। तो महत्वपूर्ण जिले आम उत्पादन में कौन कौन से हैं, यहां पे मैं पेन चेंज कर लूं। आम उत्पादन में लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर, ये तीन जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो है वो तराई क्षेत्र में गन्ना उत्पादन के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता जो होती है वर्षा की होती है, जल की उपलब्धता होती है। जहां की जल उपलब्धता अधिक होगी वहां पे गन्ना चावल उपजाया जाता है। तो तराई क्षेत्रों में ठीक ठाक जल की उपलब्धता होती है, इस वजह से तराई क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला, आप जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली लिस्ट में आएंगे, उस लिस्ट को भी मैंने आगे लगवाया है, उस लिस्ट को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा जिला किस चीज के लिए फेमस है। तो आंवला किसके लिए फेमस है, आंवला किस जिला, मतलब किस जिले का आंवला फेमस है, तो प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये आंवला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। अमरूद उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, शाहजहांपुर फरुखाबाद जिले में उत्पादन होता है किसका, अमरूद का। अमरूद उत्पादन के लिए इलाहाबाद भी फेमस है, जो लाल अमरूद होता है ना, इलाहाबादी अमरूद, तो इलाहाबादी अमरूद भी बहुत फेमस है। साथ साथ में जो उत्पादन क्षेत्र है, कृषि उत्पादक क्षेत्र अमरूद का कौन कौन सा है, शाहजहांपुर और फरुखाबाद। हल्दी उत्पादन के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र प्रसिद्ध है, अफीम, ओपियम के उत्पादन के लिए बाराबंकी, ये बाराबंकी वही है जहां पे देवा शरीफ का मेला लगता है, ये वही बाराबंकी है जिसको नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर जो SCR बनाया जा रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन, उसमें भी बाराबंकी को शामिल किया गया है। ठीक है, लखनऊ के बगल का जिला है बाराबंकी, तो ये किसके लिए फेमस है, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब अमरूद के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र कहां पर बनाया गया है, तो अमरूद के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र जो मैंने बताया आपको कि प्रयागराज में, प्रयागराज के अमरूद बहुत फेमस है, तो प्रयागराज में अमरूद के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। ठीक है, गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, अफीम का उत्पादन तो बाराबंकी में किया जाता है, लेकिन साथ साथ आपको यह फैक्ट भी याद रखना है कि अफीम उत्पादन की एकमात्र फैक्ट्री कहां पे है, तो एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है। आम प्रशिक्षण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आम के प्रशिक्षण केंद्र, आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहां पर स्थित है, जैसे मैंने बता दिया जिले उत्पादन के लिए कौन से हैं, लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर, लेकिन आम के उत्पादन प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र, जो आम का उत्पादन प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र है वो कहां पर स्थित है, तो वो आपका स्थित है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं, प्रदेश में फूलों की खेती, अब फूलों की खेती कहां पे होती है, ये भी आप याद रखिए कि फूलों की खेती प्रदेश में वाराणसी, कन्नौज, इत्र, याद रखिएगा कन्नौज। ठीक है, वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर जिले में की जाती है। कल नदियों के बारे में आपको बताया था, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, लखनऊ और जौनपुर ये सब गोमती नदी के किनारे स्थित थे। ठीक है, संपूर्ण भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से लखनऊ इसमें स्थापित है, एक केंद्र, जैसे पूरे भारत में जो प्रमुख 9 फूल उत्पादन केंद्र है ना, उनमें से एक कहां पे स्थापित है, एक लखनऊ में स्थापित है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है, पुष्प से इत्र बनाया जाता है, कन्नौज फेमस है इत्र के लिए। ठीक है, तो वहां पे जो पुष्प है फूलों से इत्र बनाया जाता है। ठीक है, प्रदेश में 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी, प्रदेश में उद्यान और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो प्रदेश में उद्यान और प्रसंस्करण विभाग, जब भी आपसे प्रश्न आएगा तो सीधे सीधे ऐसे आएगा कि प्रदेश में उद्यान और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई, 1974, 1975, 1976, 1978, तो आपको क्या टिक करना होगा, 1974 में उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी। उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई, 1974 में। ठीक है,
प्रदेश में कृषि क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो कृषि क्षेत्र के औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी में स्थापित किया गया है। अब औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र का मतलब क्या होता है? जैसे कृषि क्षेत्र में जो आप जिन जिन उद्योगों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपको कल्टीवेटर है या कृषि उपकरण जो है उनसे संबंधित जो प्रशिक्षण केंद्र है, जो कृषि उपकरण है ना, कृषि उपकरण हो गया या कृषि में कोई तकनीकी है, उन तकनीकों के प्रयोग के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र है, औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं आप देख लीजिए। बस्ती में स्थापित किया गया है, सहारनपुर में स्थापित किया गया है, लखनऊ में स्थापित किया गया है, प्रयागराज और झांसी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को आप देख लीजिए। आपको मैंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक, उसके बाद में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहां पे अवस्थित है, आम प्रशिक्षण केंद्र कहां पे अवस्थित है, अमरूद प्रशिक्षण केंद्र कहां पे अवस्थित है, गन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, गन्ने के लिए या आम के लिए कौन कौन से जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो कौन कौन से है, किन किन जिलों में आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, सारी चीजें आप समझ गए हैं। ठीक है, सारे डाटा सारे फैक्ट आपके किताबों में भी है, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, और ये इसमें से आधे से ज्यादा फैक्ट जो यहाँ लिखे गए हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, या उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप देखेंगे तो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे वीडियो लेक्चर में आपको उन चीजों का साक्ष मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पशुपालन, अब कृषि के बारे में हमने मोटी चीजें देख ली कि कृषि में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। अब रबी खरीफ फसलें जो हैं, इनके बारे में आपने भारत का भूगोल जब पढ़ा होगा उसमें उन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, रबी खरीफ फसलों के बारे में कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ फसल है, ये चीजें आपने भारत के भूगोल में अच्छे से पढ़ ली होंगी। अभी हम यहां उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कृषि के बारे में हमने चर्चा की, जो आपके परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न सीधे सीधे। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश पशुपालन एवं दुग्ध विकास के बारे में चर्चा करते हैं। बजट के अनुसार अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक, लेकिन अभी यहां देखते हैं तो 20वीं पशुगणना 2019, जो 20वीं पशुगणना हुई थी वो कब हुई थी आप याद रखिएगा, 20वीं पशुगणना कब हुई थी, 2019 में हुई थी। ठीक है, तो 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितना पशुधन है, तो उत्तर प्रदेश में भारत का 68 मिलियन पशुधन जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जो देश में सबसे ज्यादा है, यानी उत्तर प्रदेश का भारत में पशुधन के मामले में कौन सा स्थान है, पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यह परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, चौथा स्थान है, आठवां स्थान है या दूसरा स्थान है। ऑप्शन दे दिया तो आपको टिक करना होगा कि उत्तर प्रदेश का कुल पशुधन के मामले में भारत में पहला स्थान है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अगला फैक्ट देखिए कि 20वीं जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय पशुओं, ठीक है, की संख्या 19 मिलियन है। यहां पे कुल पशुधन कितना था, 68 मिलियन में सभी गाय भैंस घोड़ा गधा जितने भी पशुधन है उनको मिला के 68 मिलियन पशुधन था। अब उसमें गोवंशियों की बात होने लगी, गोवंशीय कितने हैं, ठीक है, तो गोवंशीय है 19 मिलियन, कितने 19 मिलियन। अब कुल पशुधन में तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहला स्थान है, लेकिन जो गोवंशीय पशु है, ठीक है, गोवंशीय पशु जैसे गाय बैल बछड़े इन सब के में, इन सब मामलों में यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इस कंफ्यूजन को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आपसे परीक्षा पूछे कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि गोवंशीय पशुधन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो आपको लिखना होगा कि गोवंशीय पशुधन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं
20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार महिषवंशीय, महिषवंशीय का मतलब क्या, भैंस, ठीक है। तो भैंस, अब महिषवंशीय पशुओं की कुल संख्या कितनी है, तो महिषवंशीय पशुओं की कुल संख्या है 33 मिलियन, ठीक है। इस संदर्भ में यह देश का प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान वाला राज्य है। अगर जो कुल पशुधन में देखा जाए तो कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भैंसों की संख्या के मामले में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यदि गायों की संख्या के मामले में या गोवंशीय पशुओं की संख्या के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा हो जाता है, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इस चीज को आपने समझ लिया होगा। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान, ये वर्ष 2021-22 की बात हो रही है, वर्ष 2021-22 आप याद रखिएगा। अगर जो वर्ष दे दिया परीक्षा में आपसे पूछा और वर्ष दे दिया, तब आपको जैसे वर्ष दे दिया कि वर्ष 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, ठीक, तब वहां पे आप क्या टिक करोगे, वहां पे आप इस चीज को टिक कर सकते हो कि 2021-22 में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान था। परंतु यदि पूछ ले कि बजट 2023-24 जो अभी बजट आया था फरवरी महीने में, उस बजट के अनुसार यदि आपसे पूछ ले कि बजट में, बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपको क्या टिक करना होगा, आपको टिक करना होगा कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में पहले स्थान पर है, एथेनॉल उत्पादन में पहले स्थान पर है, डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है उस मामले में पहले स्थान पर है, साथ साथ नरेगा में जो रोजगार कार्यावधि होती है कि कितने दिन काम जनरेट किए गए, कौन सा राज्य उसमें अव्वल है, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, साथ साथ में आप देख लीजिए कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार तो पहले स्थान पर है, लेकिन वर्ष 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। शीर्ष स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर राजस्थान है। क्या, पहले स्थान पर कौन है 2021-22 के अनुसार, राजस्थान, ठीक, पहले स्थान पर है। देश की कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 14.93% हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। 2020-21 में अगर जो देखें तो प्रदेश दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर था। अब देखो यहां पे क्या चीजें फ्लक्चुएट कर रही है ना, 21-22 के अनुसार दूसरा स्थान है, लेकिन यहां लिखा है 20-21 के अनुसार पहला स्थान है। अब बजट की फिर से बात करोगे, जहां बजट आ गया वहां फिर से लिख देना पहला स्थान है, ठीक है। तो वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी थी, तो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में जितनी आबादी है उनमें, उसमें अगर जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए कि एक आदमी को एक दिन में कितना लीटर दूध मिलता है, तो 392 ग्राम प्रतिदिन जो दुग्ध उपलब्धता है एक व्यक्ति की, कि एक दिन में उसको कितना दूध मिल रहा है औसतन, तो ये औसतन का है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई एक लीटर दूध पी ले, कोई कोई दूध ही नहीं पा रहा है, लेकिन हम यहां पे जब औसत निकालते हैं तो हम ये मान के औसत निकालते हैं कि पूरी जनगणना को काउंट कर लिया, जितनी जनसंख्या है सारी जनसंख्या को काउंट किया, अब उसका जो औसत निकाला जाएगा पूरी जनसंख्या का जितना उत्पादन हुआ उस उत्पादन को भाग करके निकाला जाता है। तो ऐसे में क्या निकलता है कि एक व्यक्ति को 392 ग्राम प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता होती है। जबकि यदि भारत की बात की जाए कि भारत में कुल कितनी दुग्ध उपलब्धता है, तो भारत, अब देखो उत्तर प्रदेश में प्रति ग्राम कितना, 392 ग्राम, लेकिन भारत में कितना, 444 ग्राम प्रतिदिन। अगर जो भारत की बात की जाए, जहां भी परीक्षा में आ गया कि भारत में प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता कितनी है, कितने ग्राम है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, तो वहां पे जब आप ऐसा प्रश्न आएगा कि भारत में पूछे तो आपको लिखना होगा 444 ग्राम है। जब पूछे उत्तर प्रदेश में कितना है, तब आपको टिक करना होगा कि 392 ग्राम प्रतिदिन उत्तर, मतलब उत्तर प्रदेश में दुग्ध की उपलब्धता है, ठीक है। अब 2021-22 के अनुसार अंडा उत्पादन में, एग उत्पादन में यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 9वां स्थान है। ये सारे जो स्थान है ना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन सी परीक्षा में, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है। ये सारी चीजें जो फैक्चुअल चीजें है ना, यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर होते हैं पेट वगैरह के, तो लोग क्यों कहते हैं कि ये पेपर बड़ा टफ आ गया यूपीएससी जैसा, यूपीएससी जैसा नहीं आता है, उसमें फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आसान से फैक्ट होते हैं। यदि एक बार आपने पढ़ लिया आपको याद हो गया
तो वही फैक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। तो सब कहते हैं अरे भैया बहुत लोग तो पेपर देकर आते हैं यूपीएससी के जैसा पेपर पूछते हैं, यूपीएससी के जैसा नहीं वो फैक्चुअल पेपर पूछते हैं। तो इसको अब याद रखिए कि अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो देश में 9वां स्थान है। ठीक, ऊन उत्पादन में यदि देखा जाए तो ऊन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है, ऊन के उत्पादन में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। साथ ही साथ यदि मांस के उत्पादन में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का मांस के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 2रा स्थान है। ठीक है, मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 2रा स्थान है। अब कितना उत्पादन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीजें किताब में दी हुई है, आपको जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है उनको मैंने आपके सामने परोस दिया है, आप सुन लीजिए, याद कर लीजिए, परीक्षा में एज इट इज टिक करके चले आइएगा। ठीक है, तो मांस उत्पादन में 2रा स्थान है, ऊन उत्पादन में 7वां स्थान है, अंडा उत्पादन में 9वां स्थान है। ठीक, उसके बाद में जो दुग्ध उत्पादन है उसमें तो बजट के अनुसार पहला स्थान है। ठीक, भैंस के भैंस जो पशुधन है भैंस के मामले में यूपी का पहला स्थान है, गाय के मामले में यूपी का 2रा स्थान है, कुल पशुधन के मामले में यूपी का पहला स्थान है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। ठीक है, अब पशुधन वाली जो चीजें थी वो हमने देख ली, उसको हमने रट्टा लगा लिया, उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया। मैंने आपको पशुधन बता दिया, पशुधन में सारे पशु आ जाते हैं, सारे पशु, महिषवंशी, गोवंशीय, उसमें आपके भेड़ आ गए, ठीक, खच्चर आ गए, जिनसे भी हमको कृषि से संबंधित जो भी उत्पादकता जिनसे होती है, कृषि कार्य में जो जो पशु संलग्न है उन सब को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया था, सबसे पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। हमने कर लिया उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में, उत्तर प्रदेश की भौतिक अवस्थिति, सारी चीज़ें ये कर ली हैं। ठीक है, हमने जलवायु, नदियाँ, वन, वन्य जीव, ठीक, उसके बाद में पशुधन, कृषि, सारी चीज़ें कर ली हैं। आज का हमारा ये 3रा टॉपिक, हमने आज 2 टॉपिक खत्म कर लिए, कौन कौन से, एग्रीकल्चर का जो महत्वपूर्ण फैक्ट था, जो डाटा था उसको हमने देख लिया। ठीक है, पशुधन के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो करंट से संबंधित है हमने उसको भी देख लिया। ठीक, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जिनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि यहां से प्रश्न डायरेक्ट आपके परीक्षा में आएंगे सीधे सीधे कि कौन से उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश का खनिज मुख्यतः दक्षिणी के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो खनिज क्षेत्र है मुख्यतः कौन सा, बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। ठीक है, मुख्यतः खनिज जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के खनिज संसाधनों में निर्धन होने का प्रमुख कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना के में अधिकांशता जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना। अब देखो होता क्या है कि जैसे यदि मैं आपसे कहूं यहां पर मैं एक छोटा सा मैप बनाऊं क्या उत्तर प्रदेश का, देखो ठीक, अब ये मान लो उत्तर प्रदेश, मैंने काल्पनिक मैप बनाया उत्तर प्रदेश का हाथों से। ठीक है, इसमें जो ये नीचे का क्षेत्र है ये क्षेत्र ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ऊपर जो बीच का क्षेत्र है ना ये वाला ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है, ऊपर का जो ये क्षेत्र है ये भाबर और तराई का क्षेत्र है, ये नीचे बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अब उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ना वो पठारी भारत, जो पठारी भारत है ना नीचे का समझ लीजिए कि ये पठारी भारत है। ठीक, इसको आप मान लीजिए कि पठारी भारत, तो पठारी भारत का जो उत्तरी हिस्सा है ना बुंदेलखंड, बुंदेलखंड उस क्षेत्र में आता है। ठीक, तो इस वजह से जो पठारी भारत का हिस्सा होने के कारण यहां पे खनिजों की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना इसकी ऐसी है कि एक तो पठारी भारत का थोड़ा सा जो कगार है वो कगारी हिस्सा है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो संभावना जो उत्तर प्रदेश में है ना जो खनिज पाए जाते हैं उनकी संभावना बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र से सटे होने के कारण है। जबकि अगर जो बीच का क्षेत्र हम देखें तो बीच का जो क्षेत्र है ना, अब बीच का क्षेत्र जो ये वाला क्षेत्र है मध्य गंगा का मैदान, ठीक, ये वाला क्षेत्र, अब मध्य गंगा के मैदान में नदियां हमेशा बहती हैं, तो नदियों का निक्षेप बार बार वो जल बिछा देती हैं, फिर उसके बाद में नया पानी, फिर नया पानी आता है, बाढ़ आता है,
फिर अवछे फिर से खादर बांगर का निर्माण होता है। तो इन सब चीजों के कारण यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं खनिजों की संभावना नगण्य होती है, ठीक है। और जो इधर ऊपर का भाबर तराई का क्षेत्र है वहां भी सेम चीजें ऐसे होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे होता क्या, जो भाबर और तराई का क्षेत्र है वहां पे बालू वगैरह प्राप्त हो जाता है, भाबर तराई के क्षेत्र में बालू प्राप्त हो जाता है, ठीक, सैंड प्राप्त हो जाता है, तो वो भी सैंड को भी एक खनिज माना गया है। साथ साथ में रामगंगा नदी के बारे में मैंने आपको कल बताया था, रामगंगा नदी से सोने के कण प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। इस चीज को आपने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में क्यों इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं खनिज, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं फिर आगे आपको बताता हूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का निर्धन होने का प्रमुख कारण यही है कि भूगर्भिक संरचना में अधिकांशतः जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना, जिनसे प्रायः खनिजों का अभाव पाया जाता है। इस चीज को आपने समझ लिया। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं ललितपुर जिलों में खनिज की बहुलता पाई जाती है। ये वही जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र या पठारी भारत, मतलब उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, ये सारे जिले उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं, ठीक है, जो दक्षिणी सीमा से सटे हुए जिले हैं। कौन कौन से जिले आप देख लीजिए, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, ठीक, ललितपुर, ललितपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे जिले उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जो जिले हैं ये वो जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, कोयला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां से प्राप्त किया जाता है, सिंगरौली से प्राप्त किया। सिंगरौली कहां पे है, सोनभद्र में है। परीक्षा पूछा जाता है ये प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में कोयला प्राप्त, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से कोयला प्राप्त किया जाता है। चार ऑप्शन दे दिया जाता है, ललितपुर, झांसी, सिंगरौली, सिंगरौली ना भी दे तो सोनभद्र दे देता है ऑप्शन में, इलाहाबाद, सोनभद्र, ललितपुर या झांसी, तो आपको टिक करना होता है सोनभद्र से, क्योंकि सोनभद्र में ही सिंगरौली अवस्थित है, ठीक, सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में अवस्थित है, ठीक है, इस चीज को आपने जान लिया। अब देखिए उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का कुल भंडार कितना है, 1061 मिलियन टन सिंगरौली में कुल कोयला जो भंडार है उतना 1061 मिलियन टन अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य बालू की प्राप्ति गंगा एवं यमुना की नदियों से होता है। उत्तर प्रदेश में जो बालू है ना, सैंड, ठीक, सैंड स्टोन, अब सैंड स्टोन भी होता है, बलुआ पत्थर सैंड स्टोन बोलते हैं उसको, साथ साथ जो कांच होता है तो बालू का उपयोग कांच बनाने में, कांच बनाने के लिए भी किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो कांच बनाए जाते हैं ना उनमें गंगा और यमुना के जो बालू है उनका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब साथ साथ आपको यह भी याद रखना कि बागसाइड, उत्तर प्रदेश में बागसाइड, बांदा, वाराणसी और चित्रकूट, तीन जिले हैं, बांदा, वाराणसी और चित्रकूट, ठीक, ये चित्रकूट वही है जहां रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभयारण्य है, ठीक है, यहीं पे पाया जाता है। वाराणसी के बारे में कल हमने बताया था, वरुणा और असी दो नदियां हैं जो गंगा के सहायक है उनके तट पर अवस्थित है। बांदा, ठीक है, तो बांदा बागसाइड कहां पाया जाता है, बांदा, वाराणसी और चित्रकूट, तीन जिलों में पाया जाता है। आगे देखते हैं अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, उद्योगों के बारे में देख लेते हैं, जो खनिज था कौन से खनिज कहां पाए जाते हैं मुख्यतः। अब यूरेनियम आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है उसको याद रखिए, यूरेनियम कहां पाया जाता है। अभी हम आगे इस चीज के बारे में और चर्चा करेंगे, इसमें स्लाइड लगी हुई है कि कौन सा लोकोमोटिव वर्ब कहां पे है और कौन सा क्षेत्र किस लिए फेमस है, इन सब चीजों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि बागसाइड, बांदा, वाराणसी, ठीक, और चित्रकूट, तीन जिलों में पाया जाता है। सिंगरौली किस लिए फेमस है, सिंगरौली फेमस है कोयला उत्पादक क्षेत्र के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, सिंगरौली है। कहाँ पे अवस्थित है, सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र वही जिला है जो चार जिलों मतलब चार राज्यों के साथ सीमा लगती है, ठीक। अब यहां देखते हैं उत्तर प्रदेश का उद्योग, उत्तर प्रदेश का वृहत्तम मतलब सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। 2021-22 एवं 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश के सभी राज्यों में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। गन्ना उत्पादन में यूपी का स्थान पहला है। आलू उत्पादन में यूपी का स्थान पहला है। अब देखो गन्ना उत्पादन में तो यूपी पहले स्थान पर है, लेकिन चीनी उत्पादन में यदि देखा जाए, चीनी के उत्पादन में, ठीक, चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। परीक्षा में अगर जो आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो आपको, आप ये मत सोचिए कि आप वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं, वीपीडीओ का पेपर देने या वीपीओ का पेपर देने जा रहे हैं तो आप टिक करके आएंगे कि नहीं नहीं यूपी स्पेशल का पेपर है या यूपी का पेपर है तो हम उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। नहीं, आप इस चीज को कंठस्थ किए रहिए कि किस चीज में कौन उत्तर प्रदेश आगे है या किस चीज में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इन चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए। हर परीक्षा में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर किस में है इसका एक आप शीट बना लीजिए, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश किन चीजों में दूसरे स्थान पर है इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिए। ये चीजें परीक्षा में पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो कौन सा है, दूसरा स्थान है, ठीक। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्र के निर्माण में तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, परीक्षा कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर आदि जिलों में ऊनी वस्त्र उद्योग अवस्थित है। अब ऊनी वस्त्र उद्योग कहां कहां पे स्थित है, कानपुर, मिर्जापुर और शाहजहांपुर, ये तीन जिले ऐसे हैं जहां पे ऊनी वस्त्र केंद्र अवस्थित है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने कौन है, इनकी लिस्टिंग दी हुई है। ये लिस्टिंग आपके किताब से, जो वीपीओ की किताब थी उसी किताब से ये लिस्टिंग उठाई गई है। इन लिस्टिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी बात मैं आपको यहां बता देता हूं, बाकी ये लिस्टिंग एज इट इज आपकी किताब में लिखी हुई है, आप इसको एक बार वहां से देख सकते हैं, ठीक। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपकी परीक्षा में यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया है, आरओ की परीक्षा में पूछा गया है और यूपी ट्रिपल कितनी बार भी पूछा गया है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पे है, मडुआडीह वाराणसी, ठीक है। सिंगरौली कोयला का खान कहां पे है, सिंगरौली, अभी मैंने बताया कोयला खदान उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सिंगरौली, तो सिंगरौली सोनभद्र में है। उर्वरक कारखाने कहां कहां पे है, उर्वरक कारखाने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, आंवला बरेली में, गोरखपुर में और गोंडा में, चार जिलों में उर्वरक कारखाने अवस्थित है। कहां कहां, फूलपुर, गोंडा, गोरखपुर, आंवला, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो कारखाने हैं वो उत्तर प्रदेश में कहां कहां अवस्थित है, अब याद रखिए कि लखनऊ में अवस्थित है, कानपुर में, जगदीशपुर, जगदीशपुर पड़ता है अमेठी में। परीक्षा ऑप्शन में अगर जो दे दे कि जगदीशपुर और आप खोज रहे हो अमेठी, तो आप याद रखिएगा कि अमेठी और जगदीशपुर, जो जगदीशपुर है वो एक एरिया है, वो अमेठी के तहत आता है, ठीक है। सीमेंट कारखाना चुर्क और डल्ला सोनभद्र में अवस्थित है, ठीक। उर्वरक कारखाने इफको कहां पे है, आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में, ठीक। तेल शोधक कारखाना जो सबसे महत्वपूर्ण है, तेल शोधक कारखाना, इसी कारखाने की वजह से जो आगरा का जो ताजमहल है वो उसका कलर जो हो रहा था, जो संगमरमर का कलर था वो थोड़ा फेड कर रहा था, तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि तेल शोधक कारखाने में जांच के लिए आदेश दिया था, तो वो किस तेल शोधक कारखाने को, जो मथुरा की तेल रिफाइनरी थी उसी को आदेश दिया गया था जांच के लिए, मतलब उसके जांच के लिए आदेश दिया गया था कि क्या उसका प्रभाव की वजह से ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको अब याद रखिएगा, ये तेल शोधक कारखाना मथुरा में अवस्थित है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर, कल मैंने बताया था ना, ब्रिज घाट से नरौरा राम जो आर्द्रभूमि क्षेत्र था, ब्रिज उत्तर प्रदेश का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो 2005 में बना था, ब्रिज घाट से नरौरा, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो परमाणु शक्ति केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर नरौरा में। ये जो चार्ट है इसके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने चर्चा कर दी, ये फैक्ट आपकी किताब में एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं कि रेशम वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कहां कहां पे रेशम वस्त्र उद्योग अवस्थित है, तो वाराणसी, इटावा, मोदी नगर, मिर्जापुर, आजमगढ़, शाहजहांपुर में रेशम उद्योग, उत्तर प्रदेश का रेशम वस्त्र उद्योग अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जूट के केवल तीन मिले अवस्थित है, जूट के मिल जो है उत्तर प्रदेश में केवल तीन जगह, तीन मिल अवस्थित है, कहां कहां पे, दो मिल तो अवस्थित है कानपुर में और एक मिल अवस्थित है सहजनवा, सहजनवा कहां पड़ता है, सहजनवा पड़ता है गोरखपुर में, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने, अब जैसे मैंने अभी बताया था कि कृषि औद्योगिक संयंत्र परमाणु औद्योगिक संयंत्र प्रशिक्षण केंद्र के बारे में, अब आप यहां देख लीजिए कि कृषि यंत्र कहां बनाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने का प्रमुख केंद्र कहां कहां पे है, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर और लखनऊ, लखनऊ राजधानी। इसके आस एससीआर के बारे में, एससीआर के बारे में आप रट लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एससीआर में शामिल नहीं है, ठीक है, तो लखनऊ इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने के प्रमुख केंद्र कहां कहां पे, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में सीमेंट के दो प्रमुख कारखाने सोनभद्र, जो डल्ला और चुर्क मैंने बताया ना, सोनभद्र जिले के चुर्क और डल्ला में स्थित है। इनके अतिरिक्त दादरी, अलीगढ़, प्रयागराज,
सुल्तानपुर, झांसी, बुलंदशहर, अयोध्या में भी सीमेंट कारखाने अवस्थित है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है चुरक और डल्ला। चुरक और डल्ला कहां पे अवस्थित है? सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, जो चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यहीं पर सिंगरौली की खान अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री कहां पे अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री झांसी में अवस्थित है। ठीक है, झांसी, झांसी में क्या है? झांसी में किस लिए प्रसिद्ध है? ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री झांसी में अवस्थित है। पॉलिस्टर रेसे के कारखाना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में। बाराबंकी की फिर बात आ गई, देवा शरीफ का मेला यहीं पे लगता है। ठीक है, मेलों से भी आप प्रश्न पूछे जाएंगे और मेले के बारे में हमने आगे वाले स्लाइड में, हमारी क्लासेस मेले पे कल होगी तो उसमें भी जिक्र कर रखा है। ठीक है, तो पॉलिस्टर रेसे के कारखाने कहां पे? बाराबंकी में। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पे अवस्थित है? गाजियाबाद में। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पे अवस्थित है? गाजियाबाद नगर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पे अवस्थित है? उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में अवस्थित है। ये फैक्ट आप देखिए यहां पे लिखा होगा, उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पे अवस्थित है? सहारनपुर में। सहारनपुर में अवस्थित है, इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का पहला, ये बहुत महत्वपूर्ण, जहां भी पहला है वहीं पे आप रुका करिए हमेशा, जब भी पहला दूसरा ऐसी चीजें आए कि उत्तर प्रदेश देश का पहला या उत्तर प्रदेश में पहला, कभी भी ऐसी चीजें टिक करें तो समझिए कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां पर आप तुरंत आपका कलम रुक जाना चाहिए। वहां पर आप तुरंत ध्यान दीजिए कि राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पर अवस्थित, कहां पर स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पे स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आपकी परीक्षा में लगभग ये 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निदेशालय कहां पे अवस्थित है? तो ये भी ग्रेटर नोएडा में अवस्थित है। ठीक है, जिसके आधिकारिक, जिसके अधिकार क्षेत्र के तहत वर्तमान में प्रदेश में चार प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय या केंद्र मान सकते हैं अवस्थित है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है, इसका मुख्य केंद्र तो नोएडा में अवस्थित है, लेकिन इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय भी अवस्थित है। कहां कहां पे? कानपुर में, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर में एग्रो पार्क, आप याद रखिएगा, एग्रो पार्क विकसित किया गया है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में एग्रो पार्क अवस्थित है या एग्रो पार्क का विकास किया जा रहा है, तो उसमें से चार ऑप्शन, चार जिले दिए होंगे, उन जिलों में आपको यह देखना होगा कि इनमें से कौन सा जिला शामिल है, हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर, इन चार जिलों में से कौन सा उसमें आपके जो ऑप्शन है उसमें मिल रहा है उसको आप टिक करिएगा, वापस सही होगा। मसाला पार्क, स्पाइस पार्क रायबरेली में, ठीक है, स्पाइस पार्क कहां पे? रायबरेली में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे? नोएडा में। ठीक, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पे? नोएडा में। ठीक है, एग्रो पार्क कहां पे? सहारनपुर, बाराबंकी, वाराणसी, हापुड़ में। ठीक, अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना मार्च 1961 में, ये यूपीपीसीएस की परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। अब सोचिए, जब यूपीपीसीएस में पूछा जाता है तो यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने की संभावना तो और बढ़ जाती है कि यूपी ट्रिपल एससी क्या होता है, अक्सर करके यूपीपीसीएस के जो पुराने सवाल है उनको रिपीट करता है, उनको पूछता है, ठीक, रिपीट करके। तो अब याद रखिएगा, 1961 में राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है, एक जिला एक उत्पाद। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले हैं उनमें जो लोकल उत्पाद थे उनको बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या होगा कि क्षेत्रीय विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो लोकल उत्पाद जो विलुप्त प्राय थे, जो विलुप्त होने के कगार पे थे, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2018। 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी को ही क्यों शुरू हुआ, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2018 से ही ये दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा
कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब शुरू हुआ मनाना, तो 2018 से स्टार्ट हुआ। 2018 में ही एक घोषणा की गई, उस घोषणा के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना भी लॉन्च की गई। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश की इजाद की हुई योजना नहीं है या भारत की इजाद की हुई योजना नहीं है। इस योजना का इजाद जापान ने किया था 1970 के दशक में। पहली बार अपने प्रोडक्ट जो थे उनको इंटरनेशनलाइज करने के लिए जापान ने इस योजना को लॉन्च किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को। ठीक है, उसी के तर्ज पर उससे सीखते हुए उत्तर प्रदेश अपने शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में 24 जनवरी को एक जिला एक उत्पाद योजना लेकर आई। इसके बारे में हम जानते हैं क्या है यह योजना। यहाँ पे लिखा है कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो सका। अब कौन कौन से उद्योग हैं, किस किस जिले से संबंधित है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे मैं 75 जिलों की बात करूंगा और बुलेट फायर की तरह आपको बताऊंगा कि वो जिले किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अमरोहा जो है वो ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। परीक्षा में अब पहले क्वेश्चन कैसे आते थे कि सहारन संतरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, अब उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते, अब प्रश्न इससे पूछे जाएंगे एक जिला एक उत्पाद से, एक जिला एक खेल से। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद से अभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण हो उनको आप रट लीजिएगा। 75 के 75 याद करना तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। तो आप याद रखिए, अमरोहा वाद्य यंत्र के लिए, अमेठी मुंज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ का ताला। ठीक है, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, आगरा चमड़ा उत्पाद के लिए, आगरा पेठा उत्पाद के लिए तो प्रसिद्ध है, साथ साथ चमड़ा उत्पाद के लिए भी प्रसिद्ध है। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियां, हमारी क्लास जितने लोग देख रहे हैं, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास के जिलों का, अपने जिलों का भी लिस्ट में देख लीजिएगा, आप खुश हो जाएंगे। इटावा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, प्रयागराज मुंज उत्पाद के लिए, उन्नाव जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है, एटा घुंघरू घंटी और पीतल के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, घुंघरू और घंटी भी पीतल से ही बनती है तो पीतल के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, औरैया दुग्ध प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, बस्ती काठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, वुडक्राफ्ट के लिए, बहराइच गेहूं डंठल के हस्तशिल्प, जो गेहूं के डंठल होते हैं उनसे जो हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, बागपत घरेलू सजावटी सामान के लिए प्रसिद्ध है, घरेलू सजावटी सामान। यहाँ पे बाराबंकी लिख गया, ये बाराबंकी होगा, ठीक है, बाराबंकी कपड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यहाँ पे बांदा होगा, ठीक, ये पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बिजनौर कास्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन सिरेमिक आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, मऊ वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, महाराजगंज फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर देहात एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर नगर चमड़े के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, कासगंज जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो केले के रेशे होते हैं ना उनसे उत्पाद बनाए जाते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला, कुशीनगर। कौशाम्बी किस लिए फेमस है, खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ पे केले का प्रसंस्करण किया जाता है, ठीक है, गाजियाबाद अभियंत्रकी, जो अभियंत्रकी उत्पाद है उनके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला, गाजियाबाद, गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री अवस्थित है, तो गाजीपुर किस लिए फेमस है, जूट वॉल हैंगिंग के लिए प्रसिद्ध है, गोरखपुर टेराकोटा मिट्टी की जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं टेराकोटा उनके लिए प्रसिद्ध है, गोंडा खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, गोंडा, ठीक है, याद रखिएगा गोंडा, यहीं पे पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है, तो ये किसके लिए, खाद्य प्रसंस्करण, जिनमें दाल प्रसिद्ध है, महोबा पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर कालीन, ठीक है, कालीन भैया, तो कालीन भैया से याद रखिएगा कि मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद धातु शिल्प, मुरादाबाद पीतल की जो धातुएं हैं धातु शिल्प के लिए, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद, मेरठ खेल के सामान के लिए, मेरठ में ही मेजर ध्यानचंद
स्टेडियम, ठीक है, खेल विश्वविद्यालय जो बन रहा है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, वो कहां पे बन रहा है, वो मेरठ में बन रहा है, ठीक है। नौचंदी मेला भी मेरठ में ही लगता है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मैनपुरी तरकशी कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर पेच वर्क के साथ एप्लिक वर्क के लिए प्रसिद्ध है। रायबरेली कास्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ चिकन करी और जरी जरदोजी, जो लखनऊ की चिकन करी है इसको GI टैग भी दिया जा चुका है, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। लखनऊ का चिकन करी और जरी जरदोजी कहाँ का प्रसिद्ध है, लखनऊ का। लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे जिलों के दे रखे हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ जल्दी से। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्रों के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, चंदौली जरी जरदोजी, ठीक है। अब इसमें देखो जौनपुर ऊनी कालीन, कालीन अगर जो आएगा तो अब मिर्जापुर, मतलब देखिएगा कालीन से तो मिर्जापुर, लेकिन ऊनी कालीन यदि आता है तो आपको जौनपुर टिक करना होगा, ठीक है। और जौनपुर का एक चीज, एक उत्पाद और प्रसिद्ध है, इत्र, ठीक है। पीलीभीत बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। देवरिया सजावटी उत्पाद, फतेहपुर बेडशीट के लिए, फरुखाबाद वस्त्र छपाई, ठीक है। अयोध्या, अयोध्या महत्वपूर्ण हो जाता है, गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। बदायूं जरी जरदोजी के लिए, ठीक। बलरामपुर दाल के लिए, गोंडा भी दाल के लिए और बलरामपुर भी दाल के लिए। ललितपुर जरी सिल्क के लिए, वाराणसी बनारसी साड़ियों के लिए, शामली लौह कला के लिए, शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, लखीमपुर खीरी। देखो इसमें बहुत से चीजें ऐसे दे रखी है ना कि दो जिलों का आपस में मैच कर रहा है, जैसे जरी जरदोजी चार पांच जिलों का है तो अब चार पांच जिलों को एक साथ देख लो। जनजातीय शिल्प दो जिलों का, जैसे लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती का एक साथ है तो इनको एक साथ कर लो। खाद्य प्रसंस्करण दालों के लिए खाद्य प्रसंस्करण, वो भी एक साथ दे रखे तो उनको एक साथ कर लो। संभल सींग और अस्थि उत्पाद, ठीक है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी, सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ पे काला नमक चावल, जो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, इसको GI टैग भी दिया जा चुका है और इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीतापुर दरी उत्पाद के लिए, सुल्तानपुर मुंज उत्पाद के लिए, सोनभद्र कालीन, सोनभद्र भी कालीन के लिए। अब देखो कालीन के लिए कौन कौन से, जो ऊनी कालीन है उसके लिए जौनपुर, कालीन के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन, भदोही कालीन, हमीरपुर जूतों के लिए फेमस है, हरदोई हथकरघा, हाथरस हींग के लिए और हापुड़ घरेलू सजावटी सामानों के लिए, ठीक है। देखिए हमने उद्योगों को देख लिया, हमने उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। हमने एक जिला एक उत्पाद जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में चर्चा कर ली है। सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए आज की ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसके साथ में अब हमारी अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग जनगणना के बारे में चर्चा करेंगे, लोक कलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये क्लास हमारी जो मेलों वगैरह की जो क्लास है वो हमारी कल होगी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे, आपके सकारात्मक विचार, सकारात्मक जो तथ्य है उनको आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।